नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। उत्तर प्रदेश के आगरा में विद्युत वितरण निगम कार्यालय के परिसर में 48 घंटे कार्यों का बहिष्कार किया गया, जिसमें विद्युत कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और 2600 करोड़ पीएफ घोटाले की बात कही गई। इसमें तत्काल एमडी और चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। आगरा के सिकंदरा स्थित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय परिसर में आज विद्युत विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले 48 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए धरना दिया जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मियों का कहना है कि 2600 करोड़ रुपए का पीएफ घोटाला हुआ था। चेयरमैन एवं एमडी यूपीपीसीएल जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इन दोनों में अंशवैधानिक तरीके से 2600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेन जो है हमारा ये 4 नवंबर से चल रहा है, 15 दिन हो गए हैं। मेन हमारी मांग ये है कि जो सीपीएफ और जीपीएफ में 2600 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके जो दोषी हैं, एक तो चेयरमैन साहब और एक अपर्णा यू, तो उन दोनों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई ना करते हुए जो सीपीसी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो अन्य पीके गुप्ता और अन्य जो दोषी पकड़े गए थे उनको जेल में डाला गया था, तो उनको महज ट्रांसफ़र करके छोड़ा गया है। दूसरा, सरकार एक गाइड जारी करे कि हम लोगों का जो पैसा है जीपीएफ सीपीएफ का, वो पूरी तरह सुरक्षित है और वो कर्मचारियों को मिल जाएगा। श्वेत पत्र जारी करे कि भविष्य में जो जाने वाला पैसा है उसको कभी किसी ऐसी जगह नहीं लगाएंगे कि जहां पर ये ऐसी दोबारा स्थिति आए कि हम लोग यहां फर्श पर बैठें और आंदोलन करें। आगामी आप क्या कदम उठाएंगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी? ये 2 दिन का 18 और 19 तारीख का हमारा जो प्रोग्राम है, इसके बाद जो है अगर सरकार ने गाइड जारी नहीं किया और कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर से फिर दोबारा आंदोलन किया जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। उनकी जो बचत है वो जीपीएफ सीपीएफ में जमा है, उसका मिस अप्रोप्रिएशन हो चुका है। हमारी केवल सरकार से केवल एक ही प्रार्थना है कि वो हमारा पैसे के लिए जल्दी से जल्दी सरकारी नोटिफिकेशन गजट जारी कर दें, जिससे लोगों में शांति स्थापित हो जाए और लोग अपने काम पर विधिवत रूप से काम कर सकें। आज अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। जो आज अधिकारी आए हुए थे उन्होंने केवल एक ही बात कही कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। हम लोग तो सरकार के पार्ट हैं, सरकारें में राजनीतिक लोग आते हैं चले जाते हैं, हम तो परमानेंट सरकारी एम्प्लॉई हैं। तो हमारी कभी भी विद्वेष भावना ये नहीं रहती कि हम कोई तोड़फोड़ करें। हमारा हर सिपाही बहुत वफादार है और पूरा राष्ट्रभक्त है। केवल हम लोग अपनी जेन्युइन, हमारी कोई डिमांड नहीं है, अपना पैसा जो है, जो हमारा अधिकार है, जो सबकी पूंजी है, जो परिवार का पैसा है, उसकी केवल मांग कर रहे हैं वो हमारी सिक्योर कर दें और कुछ नहीं।